टाइम के अंदर जो है पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर? नॉट इवन 20 ईयर्स, नॉट इवन 30 ईयर्स। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। शर्म की बात है कि हम आजकल आईटी के में काफ़ी बैकवर्ड्स हैं कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया। इवन दो हम दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड ही ग्रो किए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इवन दो आई नो पाकिस्तान बाद में बना है, लेकिन हमारी मेन हब बेस सेम ही हुई है। इस हिसाब से आई थिंक इंडिया ने बहुत ज़्यादा की है ग्रोथ और कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी के लिहाज से तो हमें चाहिए कि हमें भी इंडिया के साथ ही आगे चलना चाहिए, कि मतलब हमें भी इंडिया से पीछे नहीं रहना चाहिए। वैसे पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया से काफ़ी पीछे है। वीडियो का मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली बेंगलोर सिटी जो है इंडिया के अंदर वो टेक हब डिक्लेयर हुई है वर्ल्ड के अंदर, इसको बींग अ पाकिस्तानी आप किस तरह देखते हैं? सर वैसे तो आईटी सेक्टर के लिए तो इंडिया में जिस तरह से काम हो रहा है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। अब उन्होंने एक यानी बेंगलोर तो जाना ही इसलिए जाता है कि सब स्टार्टअप्स और टॉप आईटी कंपनी सारी उधर ही हैं। तो वैसे तो एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम द फील्ड ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात हो पाकिस्तान में भी इस तरह ना पूरा का पूरा एक सिटी अंडर दैट नेम, जिस तरह से हमने अल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप की है, तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे ऑफिसेज हैं, लेकिन एज अ पूरा एक सिटी इसको जिस भी बड़े लेवल पे, क्योंकि आगे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो आईटी की है और पाकिस्तान में माशाल्लाह से जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और यानी इधर जो सी भी कंपनीज़ हैं मैक्सिमम काम हमें बाहर से ही आ रहा है। तो मैक्सिमम हमारी इंशाल्लाह ना हमारी सारा ब्रेन का सारी एफर्ट आईटी में होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी होंगी और बहुत अच्छा इधर का आईटी का सेक्टर हो जाएगा। वेल इंडियंस वी नो दैट वी आर डेवलपिंग इन टेक्नोलॉजी, दे आर डेवलपिंग मोर इन टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू द पाकिस्तानीज, बट ऑब्वियसली वी नो वी हैव सीन अरफा करीम एक्सेलिंग इन दिस कैरियर। इफ शी इफ पीपल लाइक हर और स्टूडेंट्स लाइक हर दे आर मोटिवेटेड and they are given the right platform to excel, so sure we can defeat the Indians in this thing. Okay, it's a very good thing that any government is doing. I think Pakistan ko bhi aise se initiative leke aane chahiye jis tarah abhi current government hamare social economic zones declare kar rahi hai, to isi tarah inhe IT industries ke liye kuch aise zones develop karne chahiye jahan pe ye mukhtalif reforms jo hain unhe implement kare. Aapke tax free zones ho, remittance pe already tax free hai, redemption hai us pe, बट उसको ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे जो आपका इधर इन्वेस्टर है या जो आपके लोग हैं जो टेक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपनी कंपनीज यहाँ पे डेवलप करें रादर देन एक फ्रीलांसिंग से काम करवाने पे। क्योंकि कॉमनली ये होता है कि बाहर से प्रोजेक्ट्स लेते हैं, यहाँ पे फ्रीलांस ढूंढते हैं, छोटे मोटे जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे काम करवा लिया जाता है, इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस तरह ग्रो नहीं होती। इंडस्ट्रीज़ के ग्रो करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक सेटअप चाहिए। हमारे मुल्क में कुछ अच्छे काम हुए हैं कि जिस तरह हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन उसमें वो इंडिविजुअल एफर्ट ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के इदारे PITC इज़ वन ऑफ देम, उसने एक बना दिया अपना, लेकिन काफ़ी इदारे ऐसे हैं जो कि अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स लॉन्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग उसमें आनी चाहिए, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और आईटी के साथ साथ आपकी जितनी भी बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे उनकी तरफ भी गवर्नमेंट का रुझान होना चाहिए, जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बाकी हैं, इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन एट द एंड इट्स ऑल अबाउट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर। अगर तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी लेवल पर काम कर रही है, इंसेंटिवाइज़ नहीं कर रही, तो आई डोंट थिंक उसका इतना फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज़ करने की, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्या करते हैं सर? जी मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ। आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली बेंगलोर सिटी को जो है टेक हब डिक्लेयर किया गया है, बींग अ पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं आप सर? जी इसको पाकिस्तानी के हिसाब से आई थिंक थोड़ी शर्म की बात है कि हम आजकल आईटी के में काफ़ी बैकवर्ड्स हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया। इवन दो हम दोनों बिल्कुल साइड बाई साइड ही ग्रो किए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इवन दो आई नो पाकिस्तान बाद में बना है, लेकिन हमारी मेन हब बेस सेम ही हुई है। इस हिसाब से आई थिंक इंडिया ने बहुत ज़्यादा की है ग्रोथ और कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी के लिहाज से तो हमें चाहिए कि हमें भी इंडिया के साथ ही आगे चलना चाहिए, कि मतलब हमें भी इंडिया से पीछे नहीं रहना चाहिए। वैसे पाकिस्तान हर चीज़ में इंडिया से काफ़ी पीछे है, लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। फ्रीलांसिंग में भी हमारे काफ़ी फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे हैं और आईटी को लेके आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद हम भी इंडिया को बीट कर देंगे। इंफरादी तौर पर तो आप फ्रीलांसिंग का आपने खुद बताया, फ्रीलांस हो रहा है, लोग प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, बट इंडिविजुअल और वर्किंग एज अ टीम देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इंडिविजुअल कैन ओनली एड टू सम एक्सटेंट
अब जब टीम में काम कर रहे हैं, आपका पूरा एक कंपनी है जहाँ पे किसी के पास डेटाबेस के स्किल्स हैं, किसी के पास iOS डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, किसी के पास एंड्रॉयड डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, आपका जेसन पे अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, वन कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल मास्टर फॉर ऑल, ठीक है। तो एज अ इंडस्ट्री जब डेवलप होगी, फिर कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, आपका एक प्रोफाइल अच्छी बनेगी कंपनी को, दे विल बी एबल टू सिक्योर मोर गुड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। इंडिविजुअल्स कांट डू दैट। क्या लगता है कितने टाइम के अंदर जो है पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा IT इंडस्ट्री के अंदर? Not even 20 years, not even 30 years. इंडिया इज़ वे अहेड। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, आई थिंक वो फूल्स। वो बहुत आगे हैं, उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, आई थिंक वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो टेक्नोलॉजी देख के नहीं आता, इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी देख के आता है कि आपकी मार्केट कितनी सर्टेन है। वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसर्टेन कंट्री, अफसोस के साथ। तो सर्टेनिटी लेके आने की ज़रूरत है, पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लेके आने की ज़रूरत है ऐसे काम में। वजूहत ये हैं कि शायद हम इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को इस तरफ रागिब नहीं कर रहे हैं, वजूहत ये लग रही हैं। हम लोग शायद उनको इसकी प्लेटफॉर्म से आगाह नहीं कर रहे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स डॉक्टर या इंजीनियर बने, ये एक ऐसी फील्ड है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। पाकिस्तान इस IT जो इंडस्ट्री है इसमें इंडिया से काफ़ी पीछे है, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि देखें उधर तो मैंने ये पढ़ा भी है और देखा भी है कि जो IT का वहाँ पे स्कोप है इंडिया में, वहाँ पे तो प्रॉपर उनके सिटी एक IT सिटी डिक्लेयर हुआ हुआ है, बेंगलोर, ठीक है। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो फ्रीलांसिंग के तौर पर जैसे बड़े बिग सिटीज़ में काफ़ी घरों में लोग फ्रीलांसर या छोटे मोटे ऑफिस वगैरह में कर रहे हैं, लेकिन इधर प्रॉपर ये होना चाहिए। देखिए इंडिया एक बिल्कुल हम कोई इतना ख़ास हमारा कोई कल्चरल डिफरेंस नहीं है, और लेकिन वो IT में बहुत आ गया पाकिस्तान से। और एक जो सबसे मेन चीज़ है कि सबसे जो एक मशहूर कंपनी, फेमस कंपनी जैसे गूगल है, तो गूगल में भी जो इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंडियन बेस्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। तो इस लिहाज से इधर काफ़ी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। वैसे जो है पहले से कुछ बेहतरी तो है जब से ये गवर्नमेंट आई है, कि हमारी वुमेन इतनी टेक्नोलॉजी में नहीं है जो बाकी पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया में। अब आपने देखा है कि इंडिया में आप वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो पाकिस्तान में नहीं है। ना ही पाकिस्तान में इतने हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना हमारी टेक्नोलॉजी की इतनी ग्रोथ है। जिस तरह फाइलिंग सिस्टम अगर हम बेसिक से शुरू करें, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। और फिर वही चीज़ करप्शन में आ जाती है कि पाकिस्तान में वो लेज़ीनेस है जो पूरी दुनिया में नहीं है, जो टेक्नोलॉजी एक तरह से रिमूव करती है, लेकिन इंसान में वो लेज़ीनेस अभी भी रही है पाकिस्तान।